इंडिया में ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो कि फुल चार्ज होने पर ज़्यादा चल सकती हैं, कितनी किलोमीटर चल सकती हैं? जैसे हम डीजल पेट्रोल सीएनजी की गाड़ी जानते हैं कि कितना माइलेज है, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे ही ये जानना भी ज़्यादा ज़रूरी है इलेक्ट्रिक गाड़ियों में किसकी रेंज कितनी है, ज़्यादा किसकी है, तो आज हम यही जानते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। टाटा टिगोर ईवी 10वें नंबर पर आई है, तो सबसे कम इसी की है इस लिस्ट में। टाटा टिगोर ईवी 5-सीटर सेडान गाड़ी है। ये गाड़ी फुल चार्ज होने पर 306 किलोमीटर तक चल सकती है, जो कि कंपनी क्लेम करती है। इसमें जो मोटर मिलती है 26 kWh बैटरी पैक मिलता है, जो कि 75 PS की पावर, 170 Nm का टॉर्क। गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और कीमत जो है गाड़ी की 11,99,000 से 13,14,000 रुपये तक की है। फिर टाटा नेक्सोन ईवी, ये एसयूवी गाड़ी है, फुल चार्ज होने पर 312 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें जो बैटरी पैक मिलता है वो 30.2 kWh बैटरी पैक, जिसकी पावर ज़्यादा है 129 PS की, और टॉर्क भी 249 Nm का। इसमें भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सब में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलता है, और एक शोरूम कीमत है 13,99,000 से 16,85,000 तक। जैगवार आईपेस, ये 5-सीटर एसयूवी गाड़ी है, फुल चार्ज होने पर 400 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें जो बैटरी पैक मिलता है 90 kWh बैटरी पैक, जो कि 400 PS की पावर, 696 Nm का टॉर्क, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। गाड़ी की जो कीमत है 1.5 करोड़ से लेके 1.12 करोड़ रुपए तक की है। फिर MG ZS EV 5-सीटर गाड़ी है, SUV है, फुल चार्ज होने पर 419 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें जो बैटरी पैक मिलता है 44.5 kWh लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है, जो कि 143 PS की पावर, 353 Nm का टॉर्क है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एक शोरूम कीमत 21 लाख से लेकर 24,68,000 रुपये तक की है। फिर मर्सिडीज बेंज EQC 5-सीटर लग्जरी गाड़ी है, फुल चार्ज होने पर 450 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें जो इंजन मिलता है, इंजन नहीं, इसमें भी बैटरी पैक मिलता है, वो भी 80 kWh, जो कि 408 PS की पावर, यानी कि 408 PS की पावर, और 760 Nm का टॉर्क है, जो कि जनरेट होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। एक शोरूम कीमत 1.6 करोड़ रुपये की है। हुंडई कोना इलेक्ट्रिक 5-सीटर एसयूवी गाड़ी है, फुल चार्ज होने पर 452 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें जो बैटरी पैक मिलता है 39.2 kWh बैटरी पैक, जो कि 136 PS की पावर, 395 Nm का टॉर्क, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है 23,79,000 से 23,97,000 तक।
फिर है ऑडी आरएस ईट्रॉन जीटी, 5 सीटर कूप कार है, फुल चार्ज होने पर 401 से 481 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें 93.4 kWh लिथियम आयन बैटरी मिलती है जिसकी पावर है 636 PS की पावर, 830 Nm का टॉर्क, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 2,04,00,000 रुपए की एक शोरूम कीमत है गाड़ी की। फिर ऑडी ईट्रॉन, ईट्रॉन भी 5 सीटर एसयूवी गाड़ी है, इसमें 2 इलेक्ट्रिक इंजन मिलते हैं यानी अलग अलग मोटर, और इनकी रेंज भी अलग अलग है। एक है 95 kWh, 359 से 484 किलोमीटर तक चल सकती है। दूसरे वाली है 71 kWh जो कि 264 से 379 किलोमीटर तक चल सकती है, यानी इसमें 95 यानी इसमें 95 kWh बैटरी पैक जिसमें मिलता है वो ज़्यादा चल सकती है। इसकी पावर है 90 kWh बैटरी पैक वाले की 360 PS की, टॉर्क है 561 Nm का, और इसकी पावर है 71 kWh बैटरी पैक वाले की 312 PS की पावर, 540 Nm का टॉर्क। एक शोरूम कीमत 1 करोड़ से 1,18,00,000 रुपये तक की है। फिर ऑडी ईट्रॉन जीटी, ईट्रॉन जीटी 5 सीटर कूप कार है, फुल चार्ज होने पर 388 से 500 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें 93.4 kWh लिथियम आयन बैटरी मिलती है जो कि 522 PS की पावर, 630 Nm का टॉर्क, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एक शोरूम कीमत 1,79,00,000 रुपये की है। फिर ये लास्ट कार और सबसे ज़्यादा चलने वाली गाड़ी, वह है BYD E6, 6 सीटर MUV गाड़ी, फुल चार्ज होने पर 560 किलोमीटर तक चल सकती है। बैटरी पैक मिलता है 71.2 kWh बैटरी पैक जो कि 95 PS की पावर, 180 Nm का टॉर्क। इसकी बैटरी तो फिर भी देखा जाए कम है, 71 इसकी पावर कम कर दी गई है, जैसे कि 95 PS की पावर और 180 Nm का टॉर्क, जिसकी वजह से इसकी रेंज बढ़ गई। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इसकी कीमत 29,15,000 रुपये की है। तो मैंने आपको ये गाड़ी बताई जिनकी रेंज सबसे ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा चलने वाली गाड़ी जो आई है वो है BYD E6,